राजधानी जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार संकट की इस घड़ी में प्रवासी राजस्थानियों के साथ है। प्रवासी श्रमिकों कामगारों की समस्याओं को लेकर उन्होंने पीएम मोदी से भी आग्रह किया है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को अपने स्टेट में पहुंचाने को लेकर कोई ठोस फैसला करें। सीएम गहलोत ने कहा कि श्रमिकों में इस समय आत्मविश्वास की कमी है, वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं, इसलिए एक बार सभी श्रमिक भले ही वो किसी भी प्रदेश का हो अपने घर जाना चाहता है। इसलिए मैं पीएम मोदी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें। हम राजस्थान के प्रवासियों को लाने और रखने के लिए तैयार हैं। अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं वो 57,290, ये फिगर मोटे रूप में है। और हमने जो रैपिड टेस्ट शुरू किए थे और उसके अलावा जो बैकलॉग हो गए थे यहाँ पर पीसीआर टेस्ट का, तो 4,000 टेस्ट भेजे गए दिल्ली, उनके 2,000 के परिणाम आ गए अभी, और उसमें सिर्फ 69 आए, पॉजिटिव आए, लेस देन 3% है ये। इसके माने है कि जो बाकी 2,000 हैं वो भी शायद इसी ईद गिर्द आएंगे। तो जो आशंका थी कि पता नहीं इतनी बड़ी संख्या में जो पीसीआर टेस्ट हुए कितनी बड़ी तादाद में नंबर आएंगे पॉजिटिव केस के, वो आशंका खत्म हो गई, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर कोटा जो है, कोटा के जो छात्र पढ़ते थे वहाँ पर, फॉर्चुनेटली चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ होम सेक्रेटरी से बात करके कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो लोग मैंने कल भी कहा आपको कि कम उम्र के छात्र हैं, 16 से 22 23 तक के, तो बहुत ज़्यादा ही विचलित हो रहे थे, वो घरों में किराए के मकान रहते थे। तो सक्सेसफुली सीएस ने बात करके ये अग्री कर रहा है भारत सरकार को कि इनको अलाउ करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत जो इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है उसके बावजूद भी, और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अग्री किया, उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री हैं, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से आज मेरी बात हुई है सुबह ममता बनर्जी से, उनको हमने कन्वे कर दिया है, आसाम के मुख्यमंत्री से बात हुई थी परसों, फिर कल उनके मंत्री का फोन आ गया, वो अपनी टीम भेज रहे हैं, आज पहुंच जाएगी वो लेने के लिए, वो सारे बच्चों को ले जाएंगी। इस प्रकार से बंगाल आसाम गुजरात भी एग्री हो गया है, तो आसाम बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब करीब एग्री हो गए हैं, और 4,000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जाने लग गए हैं कोटा से और वो लोग भी चले जाएंगे। तो एक कोटा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से संवाद किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आज आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे, आपने खुद ने भी सवाल पूछा, साथ ही अन्य पत्रकारों ने भी सवाल रखे, इस दौरान क्या कुछ अहम बातें निकल करके सामने आई है? जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दो सवाल मैंने पूछे थे जी, उनमें से एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो केंद्र की तरह सांसदों का जो फंड है उसको खत्म करना नहीं चाह रहे जी, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हर विधायक का जो फंड है एमएलए लेड फंड जी, वो उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम में आए, बिल्कुल, जिससे कि कोरोना से लड़ाई अभी भी लड़ी जा सके, आगे भविष्य में भी ऐसी कोई आपदा है तो वो चाहते हैं कि साल दो साल के लिए ये एक संकल्प ले लें सभी विधायक मिलके कि वो अपने एमएलए फंड को सिवाय
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद करने के अलावा अपने इलाके में अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोई और जगह काम नहीं लेंगे इस पैसे को जी। एक बात तो ये जी। दूसरा जो सवाल मैंने किया था कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी राजस्थान सरकार ने और टाइम मांगा इस बात के लिए दूरदर्शन पर कि वो छात्रों को पढ़ा सके, क्योंकि पढ़ाई बीच में छूट गई, परीक्षा भी बाकी रह गई आदि। इसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा है कि दूरदर्शन पर वो पढ़ाई जारी रखवा सके दसवीं की बारहवीं के छात्रों की, कॉलेज के छात्रों की। इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है और समय भी मांग रही है जी दूरदर्शन पर। इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कि प्राइवेट चैनल पर भी वो ऐसा कोई पढ़ाई का कार्यक्रम चालू करना चाहते हैं नहीं चाहते, इस पर वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। सिर्फ ये कहा कि वो दूरदर्शन का जो एरिया है बहुत व्यापक है और वो उसी से समय मांग रहे हैं जी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही कि अमित शाह से उन्होंने बात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री से जी, और जो प्रवासी राजस्थानी पूरे देश में है, प्रवासी मजदूर भी है प्रवासी राजस्थानी भी है, और उनकी एक ललक है कि वो राजस्थान लौट सकें और लौट के रहें। पता लॉकडाउन कब चलेगा, कब तक कोरोना वायरस का प्रकोप रहेगा, एक अविश्वास पनप गया है पूरे देश में लोगों के मन में, किसी को भरोसा नहीं है कि कब अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, कब कोरोना वायरस भागेगा जी। बिल्कुल तो लोग लौटना चाहते हैं राजस्थान, राजस्थान सरकार उनके लौटने का पूरा इंतजाम करने को तैयार है। सीमा पर जब वो घुसेंगे तो उनका उनका टेस्ट करना, उनकी सेफली अपने गृह गांव घर के कस्बे में पहुंचने के इंतजाम करना। तो देश भर में राजस्थानियों ने जबरदस्त वर्चस्व है, मुंबई में, पुणे में, सूरत में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, तिरुपति में, कोलकाता में, आसाम में, कहां प्रवासी राजस्थानी नहीं है जी। और मजदूर भी खूब और उद्योगपति भी खूब है, तो वो सब लौटना चाहते हैं अपने अपने गांव, अपने अपने घर, एक बार लौट के अपनी जमीन को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि जब तक कोरोना वायरस से निपटारा नहीं हो तब तक वो वहीं रहना चाहें जी। तो उनके लिए गृह मंत्री ने ये कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि वो अपने अधिकारियों से बात करके कल जवाब देंगे। और राजस्थान के जो मजदूर हैं उनके बारे में भी मुख्यमंत्री ने कंसर्न जाहिर किया है कि उनकी भी जो परिस्थिति है वो इतनी विपरीत हो गई है कि हम उनको लाना चाहते हैं जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छात्र वहां की सरकार ले जाने को तैयार है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है, यहाँ के छात्रों को वो ले जाए पश्चिम बंगाल के लोग, वो एक अपना टीम भेज रही है, वो उनसे बात करेगी। आसाम आसाम के मुख्यमंत्री से बात की तो आसाम के एक मंत्री का फोन आ गया, वो भी अपनी एक टीम भेज रहे हैं जी। और उनके जो छात्र कोटा में फंसे हुए हैं या कहीं और फंसे हुए, उन छात्रों को कैसे निकाल लिया जा सकता है उसकी मॉडलिटीज तय कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई जो गेहूं भरा पड़ा है केंद्र सरकार के गोदामों में, एफसीआई के गोदामों में जी, और नई फसल और आ रही है, तो ये वक्त है जब उस गेहूं का उपयोग किया जाए। गेहूं के अभाव में कोई भारतवासी भूखा नहीं सोए, गेहूं हर व्यक्ति को मिल जाए, पड़ा पड़ा गोदाम में सड़ता रहेगा, उसकी कोई मोल नहीं है। तो गेहूं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को अर्ज लगाई एक बार फिर, पहले भी उन्होंने कहा था काम के बदले अनाज योजना शुरू की जाए जी, और नहीं की जाए तो गेहूं भी किसी रूप में बांटा जाए, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। इसके अलावा बाकी सवालों में उन्होंने ये आशा जाहिर की है कि राजस्थान के लोग बहुत धैर्य के साथ में, आत्मसंयम के साथ में, अनुशासन के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे जी, जैसे अब तक लड़ते आए हैं, और हम होंगे कामयाब एक दिन, ये उनका संकल्प दिखा। लेकिन अभी बहुत सी बात है जो अभी अनुत्तरित है। टेस्ट करने के मामले को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिससे कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या उसमें हालांकि इजाफा देखने को मिला है, लेकिन इसको अच्छा कदम उन्होंने बताया जी। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं जी, हम छुपाना नहीं चाहते आंकड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे तो हम उनका इलाज कर पाएंगे और कोरोना से समाज को मुक्त कर पाएंगे, अपने देश को, राजस्थान को मुक्त कर पाएंगे जी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बात कही कि जो टेस्ट किट आया है चीन से, जिसके बारे में 99% एक पत्रकार ने सवाल किया था जी कि 99% रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं फिक्टिशियस तो नहीं है रिजल्ट। तो उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने भी मंगवाए वो किट, आईसीएमआर उन पर क्या एक्शन लेता है, आईसीएमआर उन पर क्या स्टैंड लेता है, हम उसके स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके स्टैंड के बाद ही अपना कोई स्टैंड जाहिर करेंगे। इस वक्त हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, मूड में नहीं है जी। मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है, इसको लेकर के भी उन्होंने कुछ अपनी बात रखी है सर जी? नहीं, उन्होंने केवल इतना सा कहा है कि ये अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा संभालने की कोशिश है जी, और लोगों को रोजगार भी मिले और थोड़ी आम आदमी को सहूलियत मिले, हम आम आदमी की हर सुविधा का ख्याल रखने को तैयार है, बशर्ते कि वो उसी तरह
सपोर्ट करें हमको। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस प्रकार की बातचीत हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। बुलेटिन में यहां पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।